मई के महीने को उठा करके देखा जाए तो परिस्थिति आपके लिए बेहतर है। आपके विचारों में बहुत परिवर्तन होगा, बड़े बड़े विचार आपके मन में आएंगे, अच्छे लोगों से संपर्क बनेंगे, आपकी प्रतिष्ठा विशेष रूप से आगे बढ़ेगी और मन पूरी तरह से शांत होगा, योजनाएं बहुत बनाएंगे। अगर उठा करके देखा जाए तो मई के माह में आपकी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं बहुत ज़्यादा आप तैयार करने वाले हैं। व्यवसाय में आय ठीक ठाक रहेगी, परंतु 9 से 24 बुध के 12वें भाव में होने से कार्य व्यवसाय संबंधी जो दौड़ धूप है अधिक होगी, धन के खर्च भी अधिक रहेंगे, वाहन एवं मनोरंजन आदि कार्यों पर खर्च विशेष होंगे, किसी प्रिय बंधु से आपकी निश्चित रूप से मुलाकात होगी। यानी मई महीने में अगर उठा करके हम मोटे तौर पर आपको समझाना चाहें तो मोटे तौर पर ये परिस्थितियां आपके साथ रहने वाली है कि व्यवसायिक दौड़ धूप बहुत ज़्यादा रहेगी, इधर भागना इधर उधर भागना, इसको कैसे करना है उसको कैसे करना है, ये कैसे ठीक करना है वो कैसे ठीक करना है, इन सभी चीज़ों में आपकी भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रहेगा और मई के माह में आपका धन का जो खर्च है वो भी विशेष होगा। लेकिन क्योंकि शुक्र का जो गोचर है वो द्वादश भाव के अंदर है तो शुक्र का गोचर द्वादश भाव पे इस चीज की सूचना दे रहा है कि जो खर्च है वो वाहन इत्यादि पर होने वाला है, ऐशो आराम पर अधिक खर्च होने वाला है। शुक्र लग्जरी लाइफ का कारक है तो उसके साथ साथ आपके ऐशो आराम पर विशेष रूप से खर्चा कराने वाला है। शुक्र क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है आपकी राशि में शुक्र और द्वादश भाव में जाकर विराजमान है तो ये परिस्थिति दिख रही, किसी प्रिय बंधु से मुलाकात तो होगी, किसी अच्छे मित्र से मुलाकात तो होगी, किसी अपने बिछड़े से मुलाकात तो होगी, लेकिन उसके साथ यदि कोई प्रेम संबंध इत्यादि चल रहा है तो उनका आपसे दूर होने का भी योग बन रहा है। प्रेम संबंध में खटास आने का या प्रेम संबंधी के दूर होने का निश्चित ही योग आपकी राशि में बन रहा है। अगर कोई ऐसा है कि जिसके साथ आप पढ़ते वगैरह हैं या लड़की हैं लड़का हैं जिससे प्रेम संबंध चल रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसी लड़की है जिसके साथ आपका प्रेम संबंध चल रहा है जो आपके शहर इत्यादि में नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो उनके दूर ट्रांसफर होने का या उनका दूर होने का योग आपकी राशि में इस माह निश्चित रूप से दिख रहा है। अब एक बात और बता दूं, नौकरी के लिए विशेष रूप से मैं सावधान करना चाहता हूं, इस माह बहुत सतर्क रहिए, आपके नौकरी जाने का जो योग है वो इस माह आपकी राशि में दिख रहा है। वाहन खरीदना चाहते हैं तो वो तो योग आपको मैंने बताया ही है, उसके साथ यदि प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी के लिए भी ये माह आपके लिए बहुत अनुकूल है। प्रॉपर्टी पे अगर इस माह आप इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से उसका एक अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन उसके साथ अगर मैं बात करूं आपके वैवाहिक कार्य को लेकर के, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, या शादी तय हुई है तो उसकी परिस्थिति को लेकर के, तो वैवाहिक जीवन में असामंजस्य पैदा होने वाला है इस माह। इवन अगर उठा करके देखूं तो जीवन साथी से रिश्ते बहुत खराब होने का योग दिख रहा है और यहां तक कि शादी टूटने का योग तक है, तो आपको बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। जीवन साथी को लेकर के किसी प्रकार का भ्रम अपने मन में ना पालें, जो रिश्ता टूटने का खास वजह होगा वो एक भ्रम पालने के कारण ही होगा और ये भ्रम दूसरे के द्वारा पलवाया जाएगा आपके मन में, जिस कारण से आपका रिश्ता टूट सकता है, तो आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरी भगवान से प्रार्थना है आपका रिश्ता बना रहे, आप लोग खुश रहें प्रसन्न रहें, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। इस माह आपके लिए पीला रंग बहुत फायदा देने वाला है, किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जा रहे हैं या जा रही हैं तो पीला रंग जरूर धारण करके जाएं, या हो सके तो पीली रुमाल ही लेकर के साथ में जाएं, आपके लिए लाभ होने वाला है। उसके साथ 2 का अंक बहुत लाभप्रद रहेगा और बुधवार का दिन आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। परमात्मा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही मेरी कामना है। इन्हीं के शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी इसका फायदा ले पाएं। मैं आपको बता दूं, आप कभी भी फोन करके अपने विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रत्न रुद्राक्ष इत्यादि का सिद्धिकरण चल रहा है, मंदिर बंद नहीं है, मंदिर में पूजा पाठ इत्यादि चल रहा है, संस्था में सिद्धिकरण का कार्य
नियमित रूप से चल रहा है, पूजा पाठ चल रहा है, आप लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर पा